हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने कैनन EOS 200D Mark II को रिसेट कैसे कर सकते हैं, जो भी सेटिंग्स है उसे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में फिर से कैसे ला सकते हैं। तो उसे सेटिंग करने से पहले कुछ कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कुछ सवाल का हमें जवाब पहले जान लेना चाहिए, ताकि रिसेट के बाद हमें अफसोस ना हो। तो पहला जो सवाल है ये है कि क्या हम कैमरे को रीसेट करेंगे तो कैमरा स्लो होगा? तो उसका आंसर है जी नहीं। आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसे रीसेट कर सकते हैं, इससे स्पीड में कोई फ़र्क नहीं होता है, बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं वो वापस फिर से आ जाते हैं। अब दूसरा सवाल कि रीसेट करने से क्या जो फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज़ हैं वो डिलीट हो जाएंगे या फिर एज इट इज ही रहेंगे? तो ये आपको क्लियर कर दूँ कि जो भी फोटोज़ एंड वीडियोज़ आपके मेमोरी कार्ड पर हैं वो एज इट इज बने हुए रहेंगे, ना तो वो डिलीट होते हैं ना अल्टर होंगे, कुछ भी नहीं, वो जैसे हैं उसी तरह से रहेंगे। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, इस पर कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये सारे फोटोग्राफ्स अभी आप इस पर देख सकते हैं, और अब हम इसे रिसेट करेंगे। उसके बाद भी मैं आपको ये फोटोज वगैरह दिखाऊंगा, कोई भी चेंजेज नहीं कर रहा हूं मैं। तो इसे सेटिंग को चेंज करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो चीज़ जानना है वो ये है कि कैमरा कभी भी बेसिक जोन मोड में चेंजेस नहीं होंगे। बेसिक जोन मोड में आप इसे रिसेट नहीं कर सकते हैं। बेसिक जोन मोड इन द सेंस, आप इसे ऑटो मोड, सीन मोड, क्रिएटिव फिल्टर्स, इस मोड पर आप रिसेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिसेट का ऑप्शन आपको जो क्लियर सेटिंग का है वो नहीं खुलेगा। देखिए एग्जाम्पल दिखाता हूँ, हम सेटिंग पर गए, यहाँ कहीं भी आपको क्लियर सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे ही आप इसे क्रिएटिव जोन पर करेंगे, क्रिएटिव जोन इन द सेंस कि प्रोग्राम, टीवी, एबी, एम, इस तरह के मोड्स पर जाएंगे तो आपको वो ऑप्शन दिखेंगे। जैसे प्रोग्राम मोड पर है और मैं इसे ऑन करता हूँ, सेटिंग्स पर चले गए, यहाँ आपको देखिए सेकेंड ऑप्शन पर मिल जाता है क्लियर सेटिंग। तो आप इसे ओके करें, क्लियर ऑल कैमरा सेटिंग्स, इसे फिर से ओके कर दें। इस पर और एक ऑप्शन आपको मिलता है, आपको उसे भी ऑन कर देना है, उसे भी रीसेट कर लें। फिर से जाएंगे फिफ्थ वन, क्लियर सेटिंग्स, क्लियर ऑल कस्टम फंक्शन। जो भी कस्टम सेटिंग्स अगर आपने कुछ कर रखा है तो सारे भी आप रीसेट कर सकते हैं। तो ये हो गया, इतना सिंपल है, ये आसानी से रीसेट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो फोटोग्राफ्स जो थे मेरे मेमोरी कार्ड पर वो एज इट इज हैं या डिलीट हो गया। तो ये आप देख सकते हैं जो भी फोटोज एंड वीडियोज हैं वो जैसे थे पहले उसी तरह से वापस फिर सर इस पर देखने को मिल जाएगा आपको। काफ़ी सिंपल है, आप चाहें तो अपने कैमरे को रीसेट कर सकते हैं। आप जितनी बार चाहें उतनी बार रीसेट करें, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर सेटिंग्स ख़राब हो गए हैं तो बीच बीच पर आपको क्या है कि सेटिंग्स को रीसेट कर लेना चाहिए, इससे इसके परफॉर्मेंस आपको डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। और कुछ सेटिंग्स ख़राब हो रखे हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।